अपने तय कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के द्वारा समाहरणालय के मुख्य द्वार के पास 27% आरक्षण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव अवधेश प्रजापति के द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुन्नम संजय, वरिष्ठ नेता दिनेशानंद झा, नगर अध्यक्ष रवि केशरी, ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना प्रदर्शन में मोदी विरोधी नारे भी लगाए गए। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बात करने के दौरान ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जब से आई है ओबीसी का आरक्षण कोटा को घटाने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में एक सूत्री मांग 27% आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक मोदी सरकार 27% नहीं देती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू की रिपोर्ट। जब से मोदी जी आए हैं वो आरक्षण भी खत्म करने का काम कर रहे हैं एक साजिश के तहत निजीकरण करते हुए, इसलिए 27% आरक्षण के लिए हम लोग यहाँ आज पूरे झारखंड में जिला मुख्यालय में धरना और प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और जब तक मोदी जी हम लोगों को आरक्षण सुनिश्चित नहीं कर देते हैं तब तक सड़क से संसद तक हम उनका विरोध करते रहेंगे। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु हम लोग आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग पूरा भारत में ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, माननीय ताम्रध्वज द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। जब झारखंड सरकार और बिहार सरकार एक था, एकीकरण था, उस समय 27% था और जब बाबूलाल मरांडी आए तो उन्होंने घटाकर 24% कर दिया। फिर पुनः रघुवरदास आए, उन्होंने हम ओबीसी को ठकने का काम किया। 5 साल तक ओबीसी का लड़ाई होते रहा लेकिन उन्होंने 14 से बढ़ाकर 27 नहीं किया। हमारी मांग है ओबीसी जो है 27% लागू यथाशीघ्र करें, अन्यथा हम लोग सभी ओबीसी अब गोल बंद हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।